जुलाई 2020 की रात्रि कुरुक्षेत्र के गांधीनगर में घर के बाहर बैठे एक व्यक्ति के साथ एक महिला सहित चार लोगों द्वारा मारपीट की गई थी। इस मामले में पुलिस ने कृष्णा गेट थाना में केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बाद में इलाज के दौरान जख्मी व्यक्ति की मौत हो गई थी। खानपुर मेडिकल अस्पताल से रिपोर्ट आने उपरांत हत्या का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में दो हत्यारों को कृष्णा गेट थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार गांधीनगर के रहने वाले बहादुर सिंह पुत्र धर्मचंद ने मारपीट में घायल होने उपरांत अस्पताल में इलाज के दौरान पुलिस को बताया था कि वह रात्रि में घर के बाहर मौजूद था। इसी दौरान उसकी भाभी शांति देवी व वकील पुत्र तारा, अंकित पुत्र जगदीश, मोनू पुत्र हुक्ता निवासी गांधीनगर ने पारिवारिक कलह के चलते उसके साथ मारपीट की। हमलावरों ने ईंटें मारी थी। इस मामले में केस दर्ज कर घटनास्थल से सबूत एकत्रित किए गए थे। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गई थी। जख्मी बहादुर सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाया था। जांच के लिए विश्रा को खानपुर कला मेडिकल अस्पताल में भेजा गया था। रिपोर्ट आने के पश्चात खुलासा हुआ था कि मृतक की हत्या की गई है। पुलिस ने कृष्णगेट थाना में इन सभी आरोपियों के खिलाफ 302 का मामला दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी सुनील वत्स के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर ईलम सिंह, ASI लक्ष्मण, हेड कांस्टेबल नितिन, विनोद, संदीप आदि की टीम ने छापामारी करते हुए पुख्ता सबूत मिलते ही हत्यारे आरोपी वकील व अंकित को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस अन्य आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। क्या कहना है कृष्णागेट थाना प्रभारी सुनील वत्स का? 21 नंबर मुकदमा था हमारा 2020 का, जिसमें इलाज के दौरान बाद में एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी। पहले लड़ाई झगड़े का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसकी डेथ होने के बाद उसके जो है ना जो सैंपल्स थे वो खानपुर कला गोहाना में भेजे गए थे। उन सैंपल में ये बताया गया कि जो चोटें उस दौरान लगी थी उस लड़ाई झगड़े में उसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो 302 उसमें ऐड हो गई थी। माननीय कोर्ट से इजाजत लेकर इनको दोबारा गिरफ्तार किया गया है 302 IPC में, आरोपी अंकित और वकील को, और जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया है। खबरनामा हरियाणा के लिए राजेश भारद्वाज की रिपोर्ट।